सत श्री अकाल जी, जिन्हें भी जलंधर निवासी ने सारियां नूं मेरे वालों गुड ईवनिंग, सत श्री अकाल। जिवें कि आपां पिछले दिनां च देखिया, कल 19 तरीक तक अपने जिहड़े हैगे 47 कोविड दे मरीज़ ऑलरेडी जिहड़े हैगे डिटेक्ट होए ने। अज भी एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये गल वैसे चिंता वाली है और आपां नूं सारियां नूं इह धैया करना चाहीदा कि आपां घरां च रहीए। बट नालों नाल इक गल मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा कि ये जिहड़े कॉन्टैक्ट हैगे ने, पुराने जिहड़े कॉन्टैक्ट सीगे, जिहड़े पॉजिटिव केसिज ने, असीं बड़ी डिटेल दे विच उन्हां दी जिहड़ी हैगी है चैकिंग कराई है। उन्हां दे फरदर रिलेटिव लब्भे ने, पर बाकी लोगों को मेरी बेनती है कि अपने घरां च रहो ताकि तुसीं इस बीमारी तो बचे रहो। हुण क्योंकि कल 20 तरीक सीगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार वल्लों विचार करन उपरंत जिहड़े प्रवासी मजदूर ने उन्हां दी समस्यावां नूं ध्यान विच रखदे होए ये फैसला लिता गया है कि कुछ एरिया दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री हैगी है वह मैं डिटेल तुहानू दसूँगा, वह इस शर्त ते चल सकती है। या तो जिहड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हैगा वह जिहड़े 10 या 10 तो वध जिहदे कोल मजदूर ने, या तो वह उन्हां दे मजदूरां दे रहण दा प्रबंध आपदी फैक्टरी च करेगा और उत्थे ही उन्हां दा खाण पीण दा, सोशल डिस्टेंसिंग दा, दवाई बूटी दा, सारा शैल्टर सारा प्रबंध उत्ते होएगा। या फिर जे वह नेड़े दे किसी एरिए तो आउंदे ने तां प्राइवेट बस राहीं, जिहदा कि पास साडे सरकार वल्लों दिता जाएगा, वह उन्हां नूं रोज़ लैके आने पैणगे। बट एक बस दे विच 40% सीटां ही भरियां जाणगियां और जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है उहनूं मेनटेन कीती जाएगी। ये जिहड़े एरियाज ने, ये कि इंडस्ट्री चालू की जा सकती है मैं दस दिना। पिंडां दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री है म्युनिसिपल कारपोरेशन तों बाहर, शहरां दे विच मैनुफैक्चरिंग ते इंडस्ट्रियल एस्टैबलिशमेंट जिहड़े भी हैगे ने, स्पैशल इकनोमिक जोन दे विच ने या एक्सपोर्ट ओरिएंटड यूनिट हैगे ने, और जिहड़े कि किसी इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रियल टाउनशिप च ने। इस तों अलावा मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट एसेंशियल गुड्स दे ने, जिहड़े कि दवाइयां नाल या रॉ मटीरियल कोई ऐसी चीज़ दा जिहड़ी कि एसेंशियल गुड्स दे विच फॉल करदी होए। फूड प्रोसैसिंग यूनिट ने जिहड़े कि पेंडू एरिए दे विच ने, और इस तों अलावा IT इंडस्ट्री है उहदा हार्डवेयर जिहड़ा बणदा। मैनुफैक्चरिंग यूनिट जिहड़े पैकिंग मटीरियल यानी कि डब्बे या कोई बैग या कोई इस तरह दीआं बोरियां वगैरह बणाउंदे ने। ऑयल ते गैस एक्सप्लोरेशन, ब्रिक किलन मतलब जिहड़े भट्ठे ने, इन्हां दी आग्या देण लई एक 4 मैंबरी कमेटी है। साडे GMDIC ने भोला सिंह बराड़ साहब, डिप्टी डायरैक्टर फैक्टरीज़ मक्खण सिंह जी ने, जगजीत सिंह जी ने डिप्टी डायरैक्टर फैक्टरीज़, और बलजीत सिंह ALC ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ये अप्लाई करन तो पहलां जिहड़ा भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उहनूं MHA दी गाइडलाइनस दे तहत जिहड़ी अनैक्शर 2 है उहदी सहमति देनी पैणी है, और उहनूं समें समें ते जिहड़े वर्कर ने उहनां दा पूरा ध्यान रखणा पैणा है। किसी वर्कर दी अगर सेहत खराब हुंदी है तो उसकी सूचना तुरंत सिविल सर्जन नूं देनी पैनी है और सिविल अस्पताल दे विच उन्हूं दाखिल करवाना पैना है। जिहड़ा मजदूर हैगा, जिहड़ा नैक्सर 2 है, मैं डिटेल च नहीं दस रहा, यह GMDIC दफ्तर तो, और मेरा ऑर्डर जदों तो WhatsApp ते सर्कुलेट हुंदा तो तुहानूं पता लग जाएगा। इहदे च मोटे तौर पर यह है कि जिहड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हैगा उन्हूं अपनी फैक्टरी की जिहड़ा गेट हैगा जां अंदर कोई खाण पीण वाला रूम हैगे ने, ऑफिस है, लिफ्टां हैगियां ने, पौड़ियां ने, वाशरूम, टॉयलेट, वॉल्स, ये सारे डेली सैनिटाइज़ करने पैणगे। जिहड़ी बस वर्करां नूं लैके आउंदी है 40% तो ज़्यादा भरनी नहीं है। वहीकल या मशीनरी अगर कोई यूनिट च जांदी है उहनूं हर रोज़ सैनिटाइज़ करना है, थर्मल स्कैनिंग करनी है इंपलॉइज़ की, मैडिकल इंश्योरेंस करवानी है, सारे इंपलॉइज़ की मैडिकल इंश्योरेंस करवाउण तों बाद ही आग्या मिलेगी। हैंड वॉश ते सैनिटाइज़र इंपलॉय नूं देना हैगा। वर्क प्लेस दे विच गैप रखना बंदियां दे विच 2-2 मीटर दा। लार्ज गैदरिंग्स 10 तों वध दीआं नहीं करनियां। छोटे छोटे ग्रुप्स दे विच इंपलॉइज़ की सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, और स्टेयर केस जिहड़ी हैगी है वह अगर प्रयोग करदे हुए हत्थ बिल्कुल साफ रखना। गुटका, तंबाकू, पान ये साड़ा बंद होएगा फैक्ट्रियां दे विच, और जिहड़े गैर जरूरी बंदे ने वह नहीं जाणगे। जिहड़े वर्कर ने उन्हां दे कोई पास नहीं होणगे, क्योंकि या तां अंदर रहणगे या बस च रह के आउणगे, बह के आउणगे। जिहड़े बसां दे पास ने वह GMDIC ऑनलाइन अप्लाई करवाउणगे, और ये जिहड़े हैगे ने साडे SDM साहब अप्रूव करनगे, और जिहड़े ये नाल दी नाल अगर किसी की सेहत खराब हुंदी है ये सानू दसना है सिविल अस्पताल नूं, और सारे इंडस्ट्रियलिस्टां नूं इस ते पहलां सहमति देनी पएगी। फिर एक कमेटी है जिहड़ी उत्थों दी फैक्टरी विजिट करके अगर उन्हां दी तसल्ली होएगी फिर ही इहनूं चलाउण दी आग्या दित्ती जाएगी। और चलाउण दी आग्या ये नहीं कि हरेक एरिए च होवे, जिहड़े साडे 48 केस आए ने, जिहड़े जिहड़े एरिए चों पॉजिटिव केस आए ने उन्हां नूं असीं कंटेनमेंट जोन घोषित कीता हैगा। उस कंटेनमेंट जोन दे विच कोई भी फैक्टरी या कोई भी काम, कोई करफ्यू चो ढिल नहीं दिती जाएगी। ये एरिए शहर दे विच 12 एरिए ने, पिंडां दे विच 4 एरिए ने, इन्हां दे नाम मैं पढ़ रहा।
शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ आनंद विहार, विवेकानंद पार्क, कालिया कलोनी, सुभाष नगर, नैशनल पार्क, शांति विहार, अशोक विहार, गोल्डन एवेन्यू, गली नंबर 2, रविदास नगर, गुरु अमरदास नगर, सब्जी मंडी झुग्गियाँ। फिर इस तो अगे दूजा एरिया है राजा गार्डन, राजा गार्डन एक्सटेंशन, महाराजा गार्डन, तारा सिंह एवेन्यू, उस तो अगे रविदास नगर, चंडीगढ़ महला, शिवाजी नगर, उस तो अगे मिठा बाजार, भैरव बाजार, लाल बाजार, किला महला, उस तो अगे पंजवें नंबर से है नीला महल, करार खां महला, उस तो अगे 6 नंबर से पुरानी सब्जी मंडी, गुड़ मंडी, बांस बाजार, कोतवाली बाजार, इमाम नासर, नौरिया बाजार, भाटड़ा महला, 7 नंबर से नारायण नगर इस लगदियाँ पक्का बाग कलोनी दियाँ 2 लाइना, उस तो अगे है जटपुरा, चरणजीतपुरा, 9 नंबर से है बस्ती सेख अते मंगू बस्ती दियाँ लगदियाँ 2 लाइना, 10 नंबर से है बाल्मीकि महला, तो इस लगते आबादपुरे दियाँ 2 लाइना, 11 नंबर से निजातम नगर से नारायण नगर, 12 नंबर से मखदूमपुरा। ये सारे वो एरिए ने जितों कोई ना कोई पॉजिटिव केस आया है। पेंडू एरिए तलवंडी भीला, सब तहसील करतारपुर, कोटला हीरा, तहसील शाहकोट, विरक बड़ा पिंड, तहसील फलौर, तो एक जिला कपूरथला साढ़े कॉर्नर से पिंड पैंदा पिंड कोट करार खां। ये चारे जिहड़े पिंड ने इन्हां दी हदूद तो 5 किलोमीटर के घेरे च जिहड़े पिंड आउंदे ने वह भी कंटेनमेंट जोन च आणगे। कंटेनमेंट जोन च तां बिल्कुल सील रहेगा, जिहड़ी जरूरी अशी आ घरों घर ही जाणगियां। जिहड़ा बाकी जिला भी है मैं क्लीयर कर देवां, करफ्यू पहलां दी तरह जारी रहेगा। सिर्फ ये इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है यह भी GMDIC की जिहड़ी 4 मैंबरी कमेटी है उन्हों तो आग्या लैके पास लैके जो सारी आग्या मिल गई फिर आपकी प्रोडक्शन तो एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। करफ्यू च कोई ढिल नहीं हैगी। इस तो अलावा यह हैगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जोड़े ऑफिस ने वो ऑनलाइन पास लैके अपना जोड़ा काम है चालू कर सकते हैं, पर ये ऑनलाइन पास लेने जरूरी होंगे। उस तो अलावा सरकार दड़िया सड़क तो नहर का जोड़ा काम है क्योंकि अगे सौनी की फसल आनी है, ये ADC डिवेलपमेंट विशेष तरंगल जी तो आग्या लैके खास किस्सा च काम शुरू हो सकता। पंजाब सरकार के जोड़े अफसर पहला आंगू दफ्तर काम कर रहे करते रहेंगे। हैल्थ सर्विसिज के पहले ही साड़ी OPD जलंधर जिले च सारी जी अंग्रेजी दवाइया की खुली है। इस दे नालों नाल आयुष, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी सारे ये डॉक्टर भी आपकी OPD खोल सकते हैं। वैटनरी डॉक्टर भी आपकी OPD खोलणगे और इन्हां दे जिहड़े आपके हस्पतालों के आइडेंटी कार्ड है उही पास मन्ने जाणगे, इन्हां नूं वक्खरा पास लैण की कोई लोड़ नहीं हैगी। इस तो अलावा ड्रग बनाउण वालियां फैक्ट्रियां, दवाइयां दियां फैक्ट्रियां, फार्मासूटिकल यूनिट, मैडिकल डिवाइसिज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पैकिंग मटीरियल, रॉ मटीरियल, ये सारिया जड़िया फैक्ट्रियां क्योंकि ये जान बचाने लिए जरूरी ने यह भी आपका काम शुरू कर सकदियां ने, पर GMDIC तो इन्हों एक बार आपकी आग्या लेनी पैनी है। इंश्योरेंस कंपनी जड़ियाँ 10 बजे तो 5 बजे तक आपका सर्वर अप करन दे लई और आपका जिहड़ा क्लोजिंग का काम करन लई खुल सकदियां ने, पर इन्हां ते कोई भी ग्राहक नूं डील नहीं किया जाएगा और ये जिहड़े मुलाजम ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखणगे और ऑनलाइन पास लैके ही ये आपके दफ्तर के विच जा सकते हैं। इस तो अलावा जोड़े है आंगनबाड़ी वर्कर घरों घर ही जाके खाना दे सकते हैं बच्चों का, और जोड़े कोई अपाहज आश्रम ने वह भी खुल सकते हैं, गऊशालावान ने वह भी खुल सकदियां ने, और जोड़े कोई अपाहज बच्चों के आश्रम जिमें कि मैं पहला दसिया बिरध आश्रम है वह खुल सकते हैं। पिंडा के BDPO की आग्या के नाल नरेगा के काम शुरू कराए जा सकते हैं, बट जोड़े नरेगा वर्कर ने उन्होंने मास्क पाना, हाथ धोना, आपस 2 मीटर की दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस तो अलावा जिहड़े ट्रक ने खाली या भरे हुए वो चल सकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी ने साडे लई अनाज ते कणक ढोण दे लई। और इस तो अलावा जिहड़ी LPG की सप्लाई है, फूड प्रोडक्ट्स ने, मेडिकल सप्लाईज ने, वो सारा कुछ लैके ट्रक भरे या खाली चल सकते हैं क्योंकि ट्रक मेन नैशनल हाईवे ते चलते हैं। नैशनल हाईवे ते जे खराब हो जाए तो नैशनल हाईवे ते ट्रकां नूं रिपेयर करन वालियां दुकानां केवल नैशनल हाईवे ते चल सकदियां ने। मुनसिपल एरिए च कोई भी ट्रकों की दुकान नहीं खुलेगी, ना ही किसी नगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटी खुलेगी। इस तो अलावा नैशनल हाईवे से जो ट्रकों वाले वीर ने उन्होंने लिए ढाबे खुल सकते हैं, पर म्यूनसिपल एरिए या नगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के एरिए कोई भी ढाबा नहीं खुलेगा। जोड़े नैशनल हाईवे से केवल ड्राइवर लिए ढाबे खुले ने वो ड्राइवर टेक अवे भोजन मतलब पैक करके रोटी दे सकते हैं, वो आपके ट्रक च बैठ के कितने रोक के खाऊगा, और जोड़े ढाबे ने उन्होंने मजलस या इकट्ठ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होया तो ऐसे ढाबे को सख्ती नाल बंद कर दिया जाएगा। अखीर च मैं दोबारा स्पष्ट कर रहा हूँ, करफ्यू च कोई छोट नहीं, पहला वाली सख्ती पहला आंगू लागू रहेगी। होम सप्लाई तुहानू होगी दुध की, सब्जी की, फलों की, और जिहड़ा भी तुहाडा राशन हैगा वह सारा कुछ पहला आंगू घरां च तुहानू मिलेगा। और दवाइया वगैरह की असी 4 घंटे पहले ही दुकाना खोल रहे हैं,
और ये जी छोट हैगी सिर्फ इस करके दिती है कि जेडे पिंडा दे नरेगा मजदूर ने या शहरां दे जेडे मजदूर ने आपकी फैक्ट्री जाके अंडर परमिशन काम कर सकन, ताकि ये गल जी आ रही सी बार बार मजदूर वर्ग जिहड़ा हैगा उहनू भुखमरी का शिकार होना पै रहा। मुख्यमंत्री साहब ये चाहते हैं कि मजदूर वर्ग आपके काम लगे, पर अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी नरेगा का काम या किसी भी बंदे ने अगर इस नियम च जड़ी थोड़ी मोटी ढील दिती है यदा नजायज फायदा उठा के अगर किसी ने भीड़ लाई या कोविड नू फैलाया तो यह जी छोट है तुरंत वापस ले ली जाएगी। अखीर च मैं दोबारा बेनती कर रहा कि करफ्यू उस सख्ती नाल जारी है, ये सिर्फ कुछ विशेष कैटेगरीज नू छोट मिली हैगी है, और छोट भी यह नहीं कि मजदूर साइकलों पर जाना शुरू कर दे। जिहड़ी फैक्ट्री मालक बस भेजूगा केवल उस बस से जाना, बस से पास लगे होना चाहिए। जेकर कोई सड़कां ते इदां घूमदा फिरदा बिना आग्या तो देखा गया तो उन्हूं फड़ के अंदर दिता जाऊगा, कार्रवाई की जाऊगी। अखीर च मैं जलंधर वासियों नूं दोबारा तो अपील करदा कि आपदे घरां तो बाहर ना आउण, ये बीमारी बड़ी डेडली है, इस तो बचो। और खासकर ये 12 महल्ले जिहड़े मैं शुरू च दसे है कंटेनमेंट जोन इस वीडियो के, और 4 पिंड इत्थों दे जिहड़े वसनीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव केसिज वाले एरिए ने, इत्थे बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिलेगा और करफ्यू बहुत सख्ती नाल लागू रहेगा। ये सारिया छुट्टां इन्हां एरियाज़ ते लागू नहीं, इन्हां एरिया दे विच घरों घर जाके जो समान है वह मिलेगा, अगर कोई बाहर निकलिया तो उस ते कार्रवाई होगी। धन्यवाद।